सैनी समाज सेवा एवं शिक्षण संस्थान टोंक फाटक जयपुर द्वारा सावित्री बाई फूले जयंती जागृति सप्ताह के अंतर्गत रविवार को विशाल पंचम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर लगभग 450 पुरुष व महिलाओं ने रक्तदान किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक शोभा रानी कुशवाहा रही। इस कार्यक्रम में हरिनारायण अजमेरा, रोहित अजमेरा, हरीश चंद, बुद्ध सिंह सैनी, प्रभु नारायण टांक, गोपाल गढ़वाल, राकेश सैनी, सुरेश सैनी, शिवराज अजमेरा, लालचंद सैनी, मुकेश मारोठिया सहित समाज के कई युवाओं व महिलाओं ने शिरकत की। नारायण सैनी संस्था अध्यक्ष और हमारा ब्लड डोनेशन का काम चल रहा है। संस्था हमारी 5 साल से कर रही है, डोनेशन ब्लड डोनेशन का काम कर रही है। और ये मतलब हमारा 9 बजे से 4 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा और करीबन 500 से ऊपर हमारी डोनेशन का मतलब यूनिट आने की संभावना है। आप लोग कब से काम कर रहे हैं? ये हमारी 5 साल है। आपके कितने सदस्य हैं संस्था में? संस्था के हमारे 11 सदस्य तो वैसे कम्युनिटी उसके हैं और बाकी ब्लड डोनेशन के मिला के हमारे करीब 50 सदस्य। मेरा नाम रोहित अजमेरा है और मैं सैनिक समाज सेवा शिक्षण संस्था का कार्यकर्ता हूँ। हम रक्तदान शिविर लगभग पिछले 10 साल से आयोजित कर रहे हैं और इस बैनर से हमारे 5वां रक्तदान शिविर है, जिसके अंदर पिछले साल हमारी 327 यूनिट आई थी और अब की बार हमारा लगभग 500 यूनिट को पार करने का हमारा टारगेट है। अब तक 90 से और 100 के बीच की यूनिट हो चुकी है और लगातार रक्तदाताओं का जमा हुआ है और हम ये मान के चल रहे हैं कि 500 यूनिट आज हम पार कर देंगे। अच्छा, आप ब्लड डोनेशन जो कर रहे हैं उनको आप हेलमेट क्यों दे रहे हैं? हेलमेट से क्या है? देखो, एक हमने सड़क सुरक्षा के नाते हमने ये चीज़ सोची है कि जब हमको कोई रक्तदाता अपना रक्त किसी की सुरक्षा के लिए देके जाता है तो हमने भी ये मानस बनाया कि उसकी सुरक्षा के लिए भी हमको संस्था की तरफ से कुछ करना चाहिए। तो हमने एक स्लोगन रखा, सुरक्षा के हाथ सुरक्षा के साथ। इस स्लोगन के लिए हमने ये हेलमेट दिया जा रहा है।